स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाएंगे आम पन्ना। आम पन्ना जो कि पेट की गर्मी कम करता है और पोषक तत्व से भरपूर होता है। यह एक ठंडा पेय है, इसमें बहुत ही मिनरल और विटामिन्स होते हैं और यह आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए हम आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं, देखिएगा कितनी ईजिली बन जाता है ये। आम पन्ना बनाने के लिए हमने कच्चे आम लिए हैं, हम इन्हें छिलकर उबाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आम को छील लेंगे। आप इन्हें चाकू की हेल्प से भी छील सकते हैं। और हमें इसके पल्प की ज़रूरत है, तो हम इसे कट कर लेंगे और इसकी गुठली अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे और इसकी गुठली हमने निकाल ली है और इस पल्प को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हमें इस पल्प को उबालना है, तो इसे उबालने के लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसमें ये कटे हुए आम भी डाल देंगे और हमें इन्हें सॉफ्ट होने तक उबालना है। तो हम इसे उबाल लेंगे और हम इस पर ढक्कन ढक देंगे ताकि आम जल्दी गल जाए। तो इसे उबलने दीजिए, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा मतलब जीरे को हमने भून लिया है और 4-5 इलायची लेंगे और 2-3 छोटी चम्मच चीनी लेंगे। इससे मसाला आसानी से पिस जाएगा और जैसा कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है तो इसे ज़रूर लें। इन मसालों को हमें मिक्सी में पीस लेना है। इससे पहले हम आम को एक बार चेक कर लेते हैं। इसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से दबा दबा कर हम देखेंगे। और ये आम लगभग 80% गल चुके हैं। अभी इसे हम और कुछ देर पकाएंगे। इसे मैश करते रहें, मैश करने से ये और जल्दी गल जाएंगे। तो अब हमें मसाला पीसना है और ये मसाला पीसकर हमने तैयार कर लिया है। इस मसाले को हम छान लेंगे ताकि पीते समय इसके मोटे रेशे मुंह में ना आए। हम एक छलनी लेंगे और इसमें इसको छान लेंगे। ये मसाला हमने छान लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर टाइप है ये। इसे साइड में रख दें और अब हम 200 ग्राम शक्कर लेंगे और इसे भी मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने शक्कर को पीस लिया है और इस तरह से हम शक्कर को आम में डालकर पका लेंगे। इसका कलर एकदम हरा भरा दिखे इसलिए मैंने इसमें फूड कलर डाला है। अगर फूड कलर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फूड कलर के बाद इसी स्टेज में हमने इसमें 1 चम्मच काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच सादा नमक डाला है और 2-3 चम्मच ये प्री मिक्स जो हमने मसाले पहले से तैयार करके रखे हैं इसे भी हम डाल देंगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये आम पन्ना 100% पककर तैयार है। अब हम एक छलनी लेंगे, छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे। छलनी में मैंने ये पन्ना ऐड किया है और चम्मच की हेल्प से इसे दबा दबा कर इस तरह से छान लेंगे। अभी और आम पन्ना बचा हुआ है तो मैं इसे भी छान लेती हूँ। पल्प को आप 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे हमने अच्छे से पकाया है इसलिए ये ज़्यादा दिन भी चल जाएगा। तो लीजिए हमारा आम पन्ना बिल्कुल तैयार है। इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं ग्लास में। इसे गार्निश करने के लिए मैंने यूज़ किए मिर्च पाउडर, ये ग्लास के कॉर्नर्स पे लगाई है मैंने। तो देखिए इस तरह से मिर्च पाउडर से गार्निश कर लेते हैं हम। ग्लास की बाउंड्री पर हम आम पन्ना लगाएंगे और मिर्च पाउडर में घुमाकर सजा लेंगे। यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है।
अब हम पके हुए पल्प में ठंडा पानी डालेंगे और ये हमारा आमपना बिल्कुल तैयार है। इसे ग्लास में डालकर सर्व कर लीजिए। और अब हम नींबू से इस तरह से थोड़ा और सजा लेंगे जिससे ये डिलीशियस दिखने भी लगेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे मेरी इस ट्रिक से एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा कैरी पना पीने का अलग ही मज़ा है। आप इंजॉय कीजिए इस पना के साथ और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।